जी सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली सलमान अंचन। मैं फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ फूलपति प्रोजेक्ट का। फूलपति बेसिकली एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के ट्रक आर्ट को पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर फैला रहा है। और जो भी ट्रक आर्ट का रेवोल्यूशन आपको दिखता है इस टाइम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, उसमें फूलपति का कॉन्ट्रीब्यूशन है। फूलपति को यूनेस्को ने फीचर किया एज अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से हमने क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर पाकिस्तान के अंदर इसको हम लेके आए हैं, यानी कि अगर आपको जो भी आजकल नजर आता है खूसा खेड़ी जैकेट्स, फैशन डिजाइन के साथ कोलाब्रेशन, उस तरह की जितनी भी चीज़ या प्रोडक्ट आपको नजर आती है उसमें फूलपति कहीं ना कहीं मौजूद है। इसके अलावा हमने जो है पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, अलहमदिल्ला दुनिया के 35 ममालिक जो हैं हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और उसमें बहुत सी जगह पाकिस्तान एम्बेसी या फॉरेन ऑफिस का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जिन्होंने हमारी हेल्प की। दुनिया भर के डिफरेंट म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के साथ कोलाब्रेशन किए। कतर ने हमें बुलाया था फीफा वर्ल्ड कप से पहले, हमने वहाँ पर सबसे बड़ा म्यूरल बनाया। उससे पहले हमने रियाज सीज़न किया है सऊदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, रियाज सीज़न 2022 का किया था। ईस्ट साइड बर्लिन में जो हमने दीवारें बर्लिन पे हमने पेंटिंग की है, जो आई थिंक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है हमारा। हमने स्वीडन के अंदर, डेनमार्क के अंदर, इंडिया के अंदर, इवन चाइना, अमेरिका, कनाडा, कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर हमने किया जी, कैनेडियन सेनेट में किया। और श्रीलंका का प्रोजेक्ट पाकिस्तान एम्बेसी के साथ हमने मिलकर किया था श्रीलंका में। उसमें यह था कि हमने जो रिलीज टूरिज्म है जिसपे हमारे पास हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और जितना भी जो साइट्स हैं जो श्रीलंका के अंदर बड़ी वेल रिस्पेक्टेड साइट्स हैं, जो बुद्धास हैं वो हमने पेंट किए, और वहाँ के जो हमने बुद्धास थे जो सबसे बड़े टेंपल को वहाँ पे गिफ्ट हुए। उस तरह के लादादात प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए, इसमें ना सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म हो, वैसे टूरिज्म हो, कलर्स ऑफ पाकिस्तान है, और उसको उर्दू में कहते हैं फूल पत्ती। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट भी है ताकि पाकिस्तानियों को और लोगों को पता चले कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। तो उसको उर्दू में कहते हैं फूल पत्ती। तकरीबन इसको मोर देन वन डिकेड से हम इसके साथ इस पर काम कर रहे हैं, और इसको हम जितना जदीद और जद पसंदी के साथ हम लेके चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नई इनोवेशन इसके साथ शामिल हो। अभी रिसेंटली अगर हमने चाइना के अंदर इसके अंदर पूरी मल्टीमीडिया 3D के अंदर हमने इसकी एग्जीबिशन की, वहाँ की आर्ट सेंटर के साथ कोलाब्रेशन करके, और वो पूरी स्क्रीन जो है वो मल्टीमीडिया के अंदर हमने कन्वर्ट की। मकसद यही है कि पाकिस्तान के जो कलर्स हैं, पाकिस्तान के जो रंग हैं जो है वो दुनिया में पहचाने जाएं, लेके जाएं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कहता हूं कि हमारी पूरी टीम, फूलपति की पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें जो इसमें मुमताज़ साहब हैं, इसमें अमीन साहब हैं, और इसमें और दादा हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो हम पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के अंदर हैं इसको आर्ट को फैला दें। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो कलर हैं, पाकिस्तान के जो रंग हैं, और पाकिस्तान के जो मैसेज ऑफ पीस है वो पूरी दुनिया में फैले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपने एंड से हम कर सकें हम कर रहे हैं।